ये क्या, ये तकिया लेके कहाँ घूम रही हो तुम? मैं आपके पास रहने आई हूँ। मैंने ईशान से भी कह दिया है, नो वरीज। कहिए कहिए, अब क्या बोलेंगे आप? अब तो ईशान ने भी भाई सुहाना को परमिशन दे दी है। क्या है, हंस क्यों रही हो तुम लोग दोनों? अरे बताओ ना इस पगली को कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब किसी को मेरे लिए रात भर जागने की जरूरत नहीं है। जा अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। आप मुझे इसीलिए भगा रहे हैं ना, क्योंकि मैं कल सो गई थी। पर माँ, मैंने ना कल बड़ी माँ के पैर भी दबाए थे और उन्हें दवाई भी दी थी। अच्छा हाँ, सो तो है, पर अगर तुम रोज रात को इस तरह जागोगी तो खुद बीमार नहीं पड़ जाओगी? आप लोग मुझे जाने के लिए इसीलिए कह रही हैं ना, क्योंकि आप लोग मुझे इर्रेस्पॉन्सिबल समझती हैं। मैं तो जेन्युइनली बड़ी माँ की केयर करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अरे सुहाना, सुहाना रुको ना, हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि तुम गैर जिम्मेदार हो। बल्कि अच्छा तुम ये बताओ कि जब बाऊजी बीमार पड़े तो सबसे पहले डॉक्टर को कौन लेकर आया? तुम। और अपनी मिठी, जब उसका फंक्शन हुआ तो उसकी तैयारियां किसने करी? तुमने। इतना प्रूफ देने के बाद भी आप लोग मुझे बड़ी माँ के पास रहने नहीं दे रहे? अच्छा बाबा, रुको तुम मेरे साथ। पर देखो, आज रात को जागना नहीं है, सो जाना बच्चे। हाँ मुझे जरूरत पड़ी ना तो मैं उठाऊंगी तुम्हें, ठीक है? चलो आ जाओ फिर, आ जाओ। सारी रात यही गुजारनी है क्या? हाँ सोना नहीं है? नहीं नहीं जाना है, बस हम तो यही देख रहे थे कि भाई सुहाना के बाद आप तो एकदम पलट गई। हाँ मैंने तो कहा था ना, आजकल सिर्फ सुहाना की बात। मारूंगी। जाओ अभी सो जाओ, आराम करो। ठीक है, गुड नाइट। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। मैं सोने से पहले जोक सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ। अच्छा हुआ तुम अपनी तकिया लेकर आई हो, मुझे लगा कम पड़ जाएंगे तो। सुनाओ भाई, क्या जोक सुनाना चाहती हो? पकड़ी गई। तुम ऐसे ख्याल रखोगी बड़ी माँ का सुहाना? मुझे पता ही था कि तुम सो जाओगी। बड़ी माँ, ईशान कुछ मत कहो मेरी बच्ची को, एक तो बड़ी मुश्किल से राजी किया है उसे सोने के लिए। रुको, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। ऊपर से मेरे लिए स्वीटू ले आओ ना प्लीज। किसे? स्वीटू। स्वीटू? माई टैडी, मेरा टैडी बेयर है, और साथ में कुशन भी। कुशन क्यों? स्वीटू के लिए। जाओ खड़े क्यों हो, जाओ लेकर आओ। थैंक यू। अब जोक सुनाते। एक बार एक एंट थी और एक एलिफेंट। तुम्हारी फ्रेंड बड़ी माँ का कितना ख्याल रख रही है, मुझे लग रहा है कि वो बदल रही है। तुम्हें पता है उसे परिवार की फिक्र होने लगी है। एक बात बताओ, उसे सिर्फ परिवार की फिक्र होती है या मेरी भी? स्वीटू जरा पूछो इससे, मैं इसकी फिक्र नहीं करती हूँ। हाँ कितना ख्याल रखती हूँ मैं, सारे कपड़े मैं डिसाइड करती हूँ, कॉम्बिनेशंस चूज करती हूँ और टाई की नॉट भी बांधती हूँ। आजकल तो मैं चाय भी लेके आना शुरू हो गई हूँ, है ना? स्वीटू जरा पूछो अपनी मैडम से कि इतना करना काफी है,
तो और क्या क्या करते हैं? जैसे रजनी भाभी इंदर भैया के लिए क्या नहीं करती, दिशा भाभी इलेश भैया के लिए कितना बेचैन रहती है, और दादी जी दादाजी को पान बना के देती है। तो ये लो पान। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पान खाओ ना। गाड़ी क्यों रोकती? संजना, क्लोज योर आईज प्लीज। राज प्लीज। ओके, हैप्पी बर्थडे संजना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sanjana. You're looking very pretty today. Go ahead. Knife. तुम्हारे लिए। तुम ना बिल्कुल पागल। थैंक यू। एक सेकंड। जब से मिले तो मुझे 1000 टाइम्स बोल चुकी हो। एक बात बता, तुम्हारी फैमिली है कहाँ? I mean... एक बात मैं बताऊं तुम्हें? गुड, जिस तरह तुम ये स्टेप्स लेती हो, I can tell you are a very good dancer. थैंक यू।
मुझे देर हो रही है, घर जाना है। संजना तुम मेरी फैमिली के बारे में जानना चाहती हो ना? जब इंदर, इलेश, ईशान छोटे छोटे से थे ना सुहाना, तब रोज रात को झगड़ते थे मेरे साथ सोने के लिए। बट आई एम श्योर इलेश भैया ही जीतते होंगे। तुझे किसने बताया? सब दिखता है बड़ी माँ, आप इलेश भैया से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, है ना? प्यार तो मैं सभी को बराबर का करती हूँ। हाँ, पर मेरे इलेश को थोड़ा ज्यादा, मेरी माँ का बच्चा है। माँ के गोद की गर्मी का एहसास बेचारे के नसीब ही नहीं हुआ। बस इसलिए हमेशा मैंने उसे मेरे कलेजे से लगा के रखा, ताकि उसे अपने जीवन में माँ की कमी कभी महसूस ना हो। और ये बात अलग है कि मैं चाहे उसे जितना भी प्यार दूं, पर माँ माँ होती है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो बड़ी माँ, मैंने भी अपनी मम्मा के साथ बहुत वक्त नहीं गुजारा है। पर मुझे भी दोबारा एक माँ मिल गई है। ये है मेरी फैमिली। संजना मैं तुम्हें आगे कहीं छोड़ दूंगा, वहां से प्लीज अपने घर चले जाना। राज,
Raja, shut up and do what I'm saying. यहाँ उतरो जल्दी प्लीज संजना संजना प्लीज यहाँ से जाओ और अपने घर जाना सीधा। मैंने बोला रानो को तुम सबको बुलाने के लिए। माँ आप क्यों चले आए? क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। हाँ हाँ दीदी बिल्कुल ठीक है। अरे सुनो भाई, पन्ना के घर में, मेरा मतलब है कि उसके नए घर में पूजा है। हम में से किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना वहाँ। अरे मैं तो नहीं जा सकता, नहीं मेरा काम है ऑफिस में। नहीं वाकई सच में बहुत इम्पोर्टेंट काम। हाँ मेरे ऑफिस में भी एक प्रेजेंटेशन है आज, तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा। इलेश जाएगा, इलेश जाएगा ना? अरे नहीं नहीं, अरे आजकल ऑफिस में मुझे भी काम होता है। अब जब मैं काम करने लगा हूँ तो आप लोग मुझसे छुट्टी करवाने पे तुले। नहीं नहीं भाई काम पे जाने दो, बड़ी मुश्किल से तो काम शुरू किया है इसने, नहीं तो वही हाल होगा इसका, ढाक के तीन पात। जा जा बेटा तू काम पे जा। ठीक है इलेश तुम मत जाना, पर इंदर रजनी ईशान और सुहाना तुम लोग चले जाना जरूर। ओके आई डोंट माइंड, वैसे भी मैं पन्ना दीदी की फैमिली से मिली नहीं हूँ, मैं चली जाऊंगी। सुहाना वहां पे रौनक भी होता है। इंदर चुप कर, पन्ना बहन है तुम्हारी, उसकी खुशी में शामिल हो जाना चाहिए तुम्हें। जिस खुशी में रौनक दीजा जी होते हैं वो खुशी खुशी नहीं रहती है बड़ी माँ। नहीं नहीं माँ ठीक कह रही है, हमें जाना चाहिए वहाँ। हम जाएंगे भाभी। मैं भी दीदी का घर देखने चलूंगी। ओए दीदी की बच्ची तुझे पढ़ाई नहीं करनी क्या? चुप करके कॉलेज जा, मैं भी जाऊंगी। हाँ वैसे मुझे भी अगर स्कूल नहीं जाना होता ना तो मैं जरूर चलती। वैसे बहुत बड़ा घर लिया है ना दीदी ने। हाँ हाँ चार कमरों वाला, वाह। अरे घर से याद आया, बड़े दिन हो गए हमारे घर में पेंट नहीं हुआ है। भाभी आप क्या बोलते, मतलब दिवाली भी आ रही है, एक हाथ मरवा लें थोड़ा सा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आलोक। मैं तो सोच रही थी कि थोड़े नए फर्नीचर भी बना लेते हैं ना। तुम तो बस खर्चे की बातें करना, ये खरीद लेते हैं वो बना लेते हैं। चाचू वैसे कुछ चीजों की जरूरत तो है। हाँ वो मीठी के लिए हमें वो स्टडी टेबल चाहिए ना। हाँ और अलमारी भी चाहिए मीठी के लिए। अलमारी? अलमारी तो मुझे भी चाहिए पापा, मेरे सारे कपड़े माँ की अलमारी में पड़े रहते हैं। तुझे क्यों चाहिए अलमारी, एक हाथ दो साल में तेरी शादी हो जाएगी तो ससुराल जाके ले लेना तुझे जो चाहिए। बड़ी माँ देखो इलेश भैया हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इलेश पीओपी भी तो करवाना है ड्राइंग रूम में। नहीं नहीं पीओपी नहीं कराना यार, बहुत महंगा। रुक जा पहले हम लोग पेंट पे जरा ध्यान दें कौन सा कलर कराना है। सुहाना हाँ तुम क्यों चुप हो, तुम बताओ ना कौन सा रंग करे। पहले शेड कार्ड देख लेते हैं और फिर डिसाइड कर लेंगे कि कौन से रूम में कौन सा कलर और कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, है ना? हाँ ये ठीक रहेगा आलू, इस बार हमारे घर का रंग सुहाना चुनेगी। जरा देखे तो हम भी हमारी बहू किस रंग में ढालना चाहती है हमारे घर को। ईशान मैं क्या कह रही हूँ, हम लोग ना अपने रूम का भी कलर अभी डिसाइड कर लेते हैं। वो जो आमने सामने वाली वॉल है ना, एक पे हम ब्राइट कलर करवाएंगे और एक पे हम पेस्टल शेड कराएंगे। व्हाट से? कमरा? किसका कमरा? इस घर को छोड़ के जा रही हो ना सोना? फिर पेस्टल शेड ब्राइट शेड क्या फायदा?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।